अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं मन्नत मैरिज हॉल और ये मेरा फर्स्ट यहां पर जो है पहला प्रोग्राम है मन्नत मैरिज हॉल में। तो आज जो है बारात है, बारात पहुंचने वाली है बिजनौर से। दूल्हा है शाहबाज भाई और जो बेटी है मरहूम खुर्शीद भाई यानी फैसल भाई की बहन निदा खुर्शीद की, आज जो है बारात पहुँचने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी और प्रोग्राम को सजाया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर के व्यू और करते हैं आज का ये प्रोग्राम अटेंड। चलिए दोस्तों, बारात आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, बिजनौर से निकल चुकी है। लोकल के जो मेहमान हजरात हैं, जो लोकल के इनविटेशन पे आए हुए हैं, वो खाना ले रहे हैं, खाना हो चुका है शुरू। चलिए थोड़ा सा जो है मैं लोगों को दिखा दूं कौन कौन आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने पहुंचे हैं। चलिए करते हैं बातचीत भी थोड़ी सी। दोस्तों चूंकि मौसम भी इस वक्त जो है गर्म है यानी जो है समर सीजन है, तो उसी के मुताबिक आप देख सकते हैं आइसक्रीम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा रौनक है इसी स्टॉल पर। रहे हैं तमाम हजरात खाना और यहाँ पर जो है स्पेशल आप देख सकते हैं फ्राई है, कबाब है और दे रहे हैं हमारे हजरत, आप देख सकते हैं मेहमान हजरात ले रहे हैं खाना। तो दोस्तों इस तरफ बन रहे हैं कबाब भाई मुदस्सिर के, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद है। अरशद भाई जो है चेले हैं मुदस्सिर भाई के? अच्छा माशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई पहुंचे हैं अमरोहा से और देख रहे हैं कितना लॉन्ग कबाब बन रहा है माशाल्लाह। अमरोहा से तो नॉर्मली साइज इतना नहीं होता कबाबों का, ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज है जी। तो इसमें से जो है पीस कट करके तीन पीस हो जाएंगे, छोटे छोटे पीस कटेंगे। अच्छा अच्छा, तो भाई बता रहे हैं इसमें से छोटे छोटे पीस कट जाएंगे, तो ये बेहतर ऑप्शन भी है, बहुत जल्दी काम भी हो जाएगा और लोगों को जल्दी ज़्यादा मिल भी जाएगा। बड़े बाबू पहुंचे हैं माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद जो है आज देखा है बड़े बाबू को, दाढ़ी वाली रख ली माशाल्लाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। तो भाई विशाल पहुंचे हैं माशाल्लाह, और कैसा रहा सर प्रोग्राम? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहुंचे हैं महावीर जी और सर खड़े हुए हमारे गजाल सर, जावेद भाई खड़े हुए हैं। खाने पीने को हमारे बंद कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट मशीन में बंद है आजकल, इस बार हमारे हमें आज यहाँ बंद करें। तो सर ले रहे खाना जावेद भाई भी और महावीर सिंह सैनी साहब भी आए हुए जी। हमारी किस्मत बंद कर रहे हैं भाई, फैसल का ताल्लुक नगर पालिका से है तो यहाँ पर नगर पालिका के काफी लोग जो है देखने को आपको इस ब्लॉग में जरूर मिलेंगे। जावेद भाई सलीम भाई लेते हुए इस वक्त खाना। सरवर भाई और यहाँ पर जो है तमाम आजाद ले रहे हैं खाना। एक तो थे हिंदुस्तान के चाचा जवाहरलाल नेहरू और नेहटौर के हमारे चाचा है सफदर भाई। कैसे हैं सफदर भाई? बहुत अच्छा माशाल्लाह, लुकिंग बहुत ही जो है गॉर्जियस इस वक्त जो है स्मार्ट लग रहे हो माशाल्लाह। जजाकल्ला। और भी तमाम हजरात यहाँ पर जो है ले रहे हैं खाना। अच्छा अच्छा, सर लग भी रहे हैं सरकारी आदमी से, लुकिंग से ऐसा लग रहा है। ये भी जो है नगर पंचायत का। अच्छा, नगर पंचायत के बड़ा बाबू। अच्छा, ये सब अच्छा। दाखिल हो गए जी माशाल्लाह। आप जाओगे वहाँ तो सरकार होगी सर। माशाल्लाह। तो सफदर भाई तमाम आजाद के साथ ले रहे हैं यहाँ पर खाना। कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसा रहा प्रोग्राम सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
रात अभी पहुंची नहीं है, खाना लगभग जो है लोकल के आदमी ले चुके हैं। बहुत ही पीच पर है खाना इस वक्त और बहुत ही शानदार खाना जो खुशबू से अब तक महसूस किया है। अभी हमने लिया नहीं है, लेंगे हम थोड़ी देर में। जो मेहमान हजरात पहुंचे हैं फैसल भाई, उनका स्वागत करते हुए। माशाल्लाह नहटौर की बहुत ही मारूफ शख्सियत है यहाँ इस वक्त मौजूद है और बधाई देते हुए भाई इमरान फैसल भाई को, आज जो है बहन की शादी है। तो जी इमरान भाई, मरहूम खुर्शीद साहब तो आज है नहीं हमारे बीच, लेकिन उनके साहिबजादे भाई फैसल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। जी उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी से माशाल्लाह मिलावत है जी, मिलना चिलना है जी। और जिनके वाले साहब थे उससे भी ज्यादा ये अपनी जो है लोगों से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, उसी का नतीजा लोग नया जो है बेटी को देने के लिए आए हैं जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत माशाल्लाह। तो हमारे सर भी खड़े हुए हैं, इंतजाम और आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत सजाया, इसमें कोई शक नहीं कि जो है वालिद तो वालिद ही होते हैं, लेकिन आपने भी जो है भाई का हक अदा कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बस वालिद की बात को आगे बढ़ाते हुए कोशिश की है जी, मैं उनके बराबर तो नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात, अल्लाह ने जो जिस काबिल भी किया उस काबिल काम करने की कोशिश की, बिल्कुल अल्लाह कबूल करे, आमीन। इसमें क्वेश्चन है जी विशाल भाई, क्या कह रहे थे? वालिद साहब का और भाई का दोनों का किरदार अदा कर रहा है ये, बिल्कुल बहन के लिए जी। और माशाल्लाह ऐसे भाई सभी बहनों को नसीब फरमाए, आमीन। सही बात है, अजीजू भाई भी यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है एक भाई ने अपनी बहन के लिए ये प्रोग्राम सजाया है, जहाँ पर नहटौर की तमाम मारूफ शख्सियत है, लगभग सभी पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। राजा इस वक्त पहुँच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फैसल यहाँ पर मैनेजमेंट को देखते हुए खाने के बाद यहाँ पर जो है तमाम हजरात रिलैक्स होकर बैठे हुए ले रहे हैं चाय, और विशाल भाई भी चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ जो है थोड़ी गुफ्तगू करते हुए सर्वर भाई से। दोस्तों हम भी चेक करते हैं, खाना लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरफ है सैलेड, मुझे मोबाइल की वजह से उल्टा हाथ से लेना पड़ रहा है, तो चलिए लेते हैं हल्का फुल्का खाना, बारात अभी आने में टाइम लगेगा शायद, चलते हैं देखते हैं किस तरफ प्लेट लेके जाती है। इस तरफ है नहारी, बिरयानी लेते हैं, बिरयानी ट्राई करते हैं। छोटा सा बच्चा यहाँ पर जो है कबाब के टर्न में खड़ा हुआ है, कर रहा है ट्राई कबाब के लिए। तो प्लेट अभी बिल्कुल खाली है और इस तरफ भरी हुई है, मगर हम कबाब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े कबाब है, इनको कट करके तब जो है छोटे पीस में बदला जा रहा है और तब उसके बाद सर्व किया जा रहा है। देखिए तो सलाद है, कबाब बिरयानी अमरोहा के कबाब है, बहुत ही स्पेशल, बहुत बड़े बड़े पीस लग रहे हैं, उसके बाद कटिंग करके इस तरह सर्व किया जा रहा है। तो चलिए फिनिश करते हैं खाना, उसके बाद होगी बात। खाना मैं ले चुका हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा, स्पेशली कबाब यहाँ पर जो है अमरोहा से कारीगर पहुँचे हैं, बहुत ही शानदार खाना हो रहा है। तो चलिए बारात आ गई है, बारात का करते हैं स्वागत और करते हैं उनको रिसीव। दोस्तों आतिशबाजी से आपको एहसास हो चुका होगा, बारात पहुंच चुकी है, चलिए करते हैं रिसीव और दिखाते हैं दूल्हा साहब को, शाबाश भाई को। दोस्तों आप देख सकते हैं बारात पहुंच चुकी है, बहुत ही जबरदस्त यहां पर जो है आतिशबाजी के साथ जो है स्वागत किया गया है दूल्हा साहब का, ये देख सकते हैं बैठे हैं ओडी में दूल्हा। भाई फैसल यहाँ पर जो है स्वागत करते हुए, शाबाश भाई का, फैसल ने यहाँ पर जो है एक भव्य स्वागत यहाँ पर शाबाश भाई का किया है और रिसीव किया है उनको गेट पर पहुँच करके, जो है वेलकम जीजू, जो है कंग्रेचुलेशन फॉर दिस इवेंट, यानी शादी की मुबारकबाद देते हुए ये बच्ची
के साथ एक बार फिर जो है स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर भाई शाहबाज का, आप देख सकते हैं फूलों के साथ स्वागत किया है दूल्हा साहब का। शाहबाज भाई बारात के साथ पहुंच चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर जो है बहुत खूबसूरत तरीके से आप कह सकते हैं आतिशबाजी के साथ, फूलों के साथ, कंप्लेंट के साथ काफी तरह से जो है कदम कदम पर पूरी गैलरी में जो है स्वागत किया है शाहबाज भाई का। बिजनौर से बारात आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच चुकी है बारात मन्नत और नेट और मिनी दूल्हा साहब देखिए तमाम बाराती यहाँ पर और दूल्हा साहब अपने यार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं ऊपर स्टेज पर सोफे पर। तो यहाँ पर जो है भाई फैसल और सफदर भाई डिस्कस करते हुए आपस में। फैसल जी बारात पहुँच चुकी है? जी बारात पहुँच चुकी है, अब इंशाल्लाह निकाह कराएंगे और निकाह के बाद इंशाल्लाह खाने का एहतमाम हो जी, ठीक है। तो भाई फैसल ने बताया निकाह के बाद बारात को खाना दूल्हा को खाना होगा जी, ठीक है। निकाह की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं तमाम जो है हजरात और बारात की तरफ से और मेज़बान की तरफ से लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अब होगा निकाह, दुल्हन के साइन लेकर के आते हैं, वो जा रहे हैं साइन लेने के लिए, गए हुए हैं दुल्हन के साइन लेने के लिए। बाकी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं और मौलाना बैठे हुए हैं जो आज निकाह पढ़ाएंगे। साइन करके ले आए हैं, आप देख सकते हैं रजिस्टर आ चुका है वापसी जिस पर दुल्हन के साइन होते हैं और वकील गवाह के तौर पर दो लोगों के साइन होता है। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم من زوجها اور تمام حاضرین کی موجودگی میں ندا خورشید بنت خورشید کا نکاح مہر فاطمی سے آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا من فتنة المسيح الدجال۔ اے اللہ تیرے نام سے اور تیرے نبی کے نام سے ایک لڑکا اور لڑکی دلہن بننے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں برکت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں رحمت عطا فرما دے، اے اللہ ओके भैया क्या सब मामला अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है मेहर फातिमों के साथ यहाँ पर जो है भाई शाहबाज का निकाह हुआ है तो अभी उसके बाद बटेंगे छुआर बट रहे हैं छुआरे निकाह के आप देख सकते हैं मुबारकबाद देते हुए दूल्हा इस तरफ बट रहे हैं। अरे हजरत एक इधर भी दे दो ना एक इधर दे दो हजरत देख दे मिल जाए तो हमें कामयाब हो गए लेने में। यह छुआ हस्ती जो है दोनों दूल्हा को मुबारकबाद पेश करते हुए बहुत बहुत मुबारक हो तमाम बाराती देख रहे हैं और यहाँ पर हुई है फोटोग्राफी दूल्हा को दे रहे हैं तमाम उनके दोस्त मुबारकबाद। तो दोस्तों बहुत ही खुशगवार माहौल में यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाह हो चुका है, जैसा मैंने बताया मेहर फातिमों के साथ यहाँ जो है हजरत ने मौलाना ने निकाह पढ़ाया है तो इसके बाद अब लेंगे बराती और दूल्हा। बहुत देर से जो है इंतजार में थे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए गाइस हमें बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग। बाय बाय। दोस्तों बैठ गए बाराती खाने के लिए, अभी खाएंगे बाराती खाना। दूल्हा अभी पहुंचे नहीं है, दूल्हा इसके बाद लेंगे, अभी फिलहाल बैठे हैं बाराती। तो हम पहुंचे हैं भाई आतिफ के काउंटर पर, ये है
टी स्टॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गर्मा गर्म टी बना रहे हैं भाई आतिफ। कॉफ़ी लाइए सर, एक कॉफ़ी दीजिए, माशाल्लाह। तो यह है गर्मा गर्म कॉफ़ी। फैसल यहाँ पर जो है अब बारात को खाना खिलवाते हुए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है मैनेजमेंट चल रहा है और अपनी पूरी जो है तवज्जो मेहमानों की तरफ है भाई फैसल की। खड़े हुए हैं फैसल भाई, जो भी आपको पसंद हो लीजिए। यूज सेक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है दूल्हा के लिए। अब जो है निकाह हो चुका था, दूल्हा अब लेंगे खाना, दूल्हा गए हैं अब लेंगे खाना, और बाकी उनके यार दोस्त बैठ गए हैं, लेंगे ये लोग अब खाना। महमूद वगैरह यहाँ पर जो है मैनेजमेंट देखते हुए दूल्हा को खाना खिलवा रहे हैं और दूल्हा बैठे हुए हैं खाने के लिए। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग मन्नत मैरिज हॉल नेटोर से। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। साथ जुड़ चुकी है बहुत ही मारूफ शख्सियत, हमारे बड़े भाई, हमारे जो है महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जय भाई, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, आज का ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे? बस आप देखिए, एक बच्चे ने मेहनत की, बिल्कुल, और इंशाल्लाह आपके सामने सब कुछ है। वाकई वाली साहब की भी जो है उन्होंने कमी महसूस नहीं होने, नहीं कमी तो महसूस हुई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कमी महसूस हुई और हमेशा होती है, क्योंकि सरपरस्ती उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि सरपरस्ती खत्म हो गई, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हिम्मत और हौसले के साथ माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम अंजाम दिया, बिल्कुल सब आपके सामने इंशाल्लाह, बिल्कुल दुआओं की दरख्वास्त उसके लिए भी, हमारे लिए भी, बिल्कुल आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। जजाकल्लाह।